तो वेलकम है गाइस, स्वागत करता हूँ आज और एक नई फ्रेश ब्लॉग वीडियो में। गाइस आज मैं जाने वाला हूँ अपना कॉलेज। लगभग मैंने 2 साल 3 साल हो चुका है कॉलेज छोड़ चुका हूँ। तो आज क्या है ना कॉलेज में, जो कि आज 15 अगस्त है, तो जिस वजह से मैंने भी सोचा थोड़ा बहुत चलो घूम के आते हैं और ब्लॉग भी बन जाएंगे। बहुत दिनों को बाद जा रहे हैं क्योंकि कॉलेज एक मंदिर है, क्योंकि जिस वजह से मैंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाया हूँ वो आगे उसको पीछे नहीं छोड़ने वाले। और सबसे मेरा पुराना दोस्त जो कि स्कूल लाइफ से है, कॉलेज लाइफ से है, जैसे आया है हमारे घर जैसे देख सकते हो, इसके वजह से मैं फाइनली जा रहा हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं जाता। तो चलो सब काम धाम छोड़ के मिनिमम 2-3 घंटे के अंदर वापस हम आ जाएंगे और बाकी ब्लॉग में पूरा अंत तक बने रहिए, काफी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये रहा हमारा मंदिर, यहाँ से घंटी लगाने के लिए फिर से आपको उद्घाटन करना पड़ेगा इसको, ठीक है। घंटी का अलग महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर है ऑलरेडी सांड बाबा जी, तो उसी का हम दर्शन करते हैं। अभी पूजा पाठ अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया और मेरा फ्रेंड आया था, बोला था चलो मंदिर का भी दर्शन करवा देते। और इधर देख सकते हो मंदिर का लुक किस तरह हमने सजाया हुआ है। और ये रहा घर का नजारा, देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। मतलब अभी तक क्या हुआ ना, पूरा क्लियर नहीं कर पाया हूँ, टाइम के वजह से उतना ध्यान नहीं दे पाया। तो चलिए अभी गाड़ी निकालते हैं, आ जाओ। फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड को मेरा गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं, वो भी पहली बार मिला बाद में। चलो अभी मिलते हैं। रहा हमारे स्कूल का छोटा छोटा बच्चा, बाकी ये रहा सैनिक स्कूल, इसका सैनिक स्कूल ना, और वो उधर है गर्ल्स स्कूल। हाँ गर्ल्स स्कूल अभी तो शायद सब खत्म हो गया। और ये रहा देख सकते हो हमारे स्कूल का मार्ट, इस मार्ट में हम खेल कूद के बड़ा हुए। और ये रहा प्राइमरी स्कूल, छोटे से पढ़ के पूरा पूरा स्कूल। ये रहा हमारा सावतल्डी स्कूल, बॉयज स्कूल, इस स्कूल से पढ़ के मैं बड़ा हो चुका हूँ। तो हमारे स्कूल का पता का उद्यापन हो चुका है जैसे देख सकते हो, बाकी सबका छुट्टी हो गया, जितने भी स्टूडेंट वगैरह थे सबका छुट्टी हो गया। क्या है भाई ये स्कूल कैसा था कि हम लोग का मंदिर था, मंदिर 7 वर्ष चलो ये देख सकते हो मंदिर का क्या तोड़ फोड़ हो चुका है। एटा होचे क्लास 11 ना, ये था क्लास 11, यहाँ पर बैठ के पढ़ते थे हम लोग एकदम जैसे देख रहे हैं ना। ये नहीं था ये 7 वचन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं क्या समय था हम लोग का। ये नया चीजें देख सकते हो, ये जब ये लाइब्रेरी था और इसमें सीढ़ी नहीं था, और देख लो ये लोग पूरा चेंज कर दिया, यहाँ पर मिड डे मील होता था हम लोग के लिए। बाकी ये जो आप रूम देख रहे हो ना ये नहीं था, ये अभी चेंज हो चुका है क्योंकि टिफिन मतलब ये जो मिड डे मील होने का ना, तो हम लोग कहीं पर भी बैठ के खा सकते, मतलब खा रहे थे। हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे और यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे थे, ये तो उसको तोड़ दिया। चलो गाइस अभी हम लोग निकलने वाले हैं क्योंकि फ्रेंड ऑलरेडी कॉल कर रहा है और मेरा दोस्त ने अभी बाइक निकाल रहा है। और कल विष्णुदा ने ये मुझे दिया हुआ है जैसे देख सकते हो, 14 अगस्त को ही मिल चुका था। तो हमारे स्कूल का नज़ारे या कुछ इस टाइप का है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है अभी के टाइम। सो बालीचासा का ये रहा शिव मंदिर, चलो इसका भी दर्शन कर लेते हैं। ये देख सकते हो बालीचासा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शांताय नमोस्तुभ्यं, नमो नमः, ओम जय, ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। सो एक माता यहाँ पर रहता है जिन्हें परिवार वाले उसको निकाल दिया है, तो क्या कर सकते बोलो, हम लोग के साथ जो कि रो रहा है। तो मैंने यहाँ पर कुछ बिस्कुट कल रात ही लेके गया था घर के खाने के लिए, तो चलो वही दे देते हैं। चलो भाई एक बिस्कुट है मेरे पास, ये रहा ये बिस्कुट, अभी उसको देते हैं। ए लो माता ये आप खाना है, अच्छा बिस्कुट है, ठीक है। चलो इसका अभी ये प्रॉब्लम हुआ है कि इसका जो बेटा है घर से निकाल दिया है, जिस वजह से ये अभी यहाँ पर रह रहे। तुम्हारा सासुर जी ने बेर कर दीजिए, ओ भगवान, জমি আমার আমার শ্বশুরবাড়ির জমি একটাও আমাকে দিল নাই, সাত মন দশ মন ধান হইত, সেই ধানটা আমার ইয়ে আমার মেজে দেওয়ার জমিটা আমার শ্বশুরকে মারিয়ে মারিয়ে লেখাই দিল নিজের নামে, আর আমাকে কিছু দিল আমার দেওয়ার খেয়ে দিল নি। তোমার ছেলেগুলো, হ্যাঁ ছেলেগুলো আমার শাশুড়ি মারিয়ে মরাই দিয়েছে, করেছিল বেটা বিটি দুটো
বুঝবা না নেই বললাম গলা তো পাই যেই মেরে দিল না আমার দিবিনের কিছু বল না 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 আমরা এসব বলছি তুমি তো পরে মরে বই পুরি তো হয়ে গেছি বাপ আর বাবার কৃপাতে আছো এত বড় সুন্দর জায়গাতে কোনো কিছু হবে না সব ঠিক হবে আমার দেও খুঁজি না আমার খুঁজি না ঠিক আছে মাতা তাহলে আসছি আমরা ঠিক ভাই সন্দীপ কেসে হো এক নম্বর হো না भाई हम लोग एक नंबर नहीं रह पाते पता है एक कैसे रह पाते बोलो हम लोग इतना कुछ करते हैं फिर भी एक नंबर नहीं रह पाते हैं हम लोग हाफ नंबर पे ही मतलब लॉकआउट हो जाते हैं पता है तो चलिए हम लोग अभी जा चुके हैं तीनों दोस्त मिल चुके हैं बहुत दिनों के बाद भाई बहुत दिनों के बाद सो गाइस मैं तो आया था कॉलेज बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया देख सकते हो कॉलेज अभी बंद है मैंने सोचे थे भाई आएंगे लगभग यहाँ पर 4-5 साल के बाद कॉलेज अभी आए थे सोचा था कॉलेज का दर्शन थोड़ा बहुत करेंगे बट कॉलेज कोई नहीं यहाँ पर बाहर से ही दर्शन कर लिया सो मेरे लिए इनाफ है सो हम लोग आ चुके हैं एक नया प्रोग्राम हो रहा है 15 अगस्त के दिन पे तो वो देखने के लिए ये देख सकते हो प्रोग्राम अभी हो रहा है इधर बाकी हम लोग तो इधर है ही एक माँ सरस्वती का प्रतिमा मिला है बहुत खूबसूरत दिख रहा है जैसे आप देख सकते हो हो चुका है हम और अभी माता रानी के दर्शन पे जाएंगे क्या बोलते हो और ये रहा मोतोड़ का काली मंदिर चलो भाई हम भी काली मंदिर से दर्शन करके आते हैं जब इतने दूर आ चुके हैं तो माँ काली का तो दर्शन तो बनता है भाई और ये रहा माँ काली का मंदिर हम आ चुके हैं चलो भाई आपको भी दर्शन करवाते हैं ओ माता रानी हम तो आ चुके हैं आपकी दरबार में चलो हम लोग अभी क्योंकि मंदिर तो अभी बंद है करके आ सकते हैं तो जिस वजह से अभी हम लोग दर्शन कर लेंगे जितना भी बाहर बाहर से ही जय हो माता रानी जय माता रानी ये देख सकते हो माता रानी का आपको भी दर्शन करवाते हैं सबसे पहले ये देखो चलो भैया जी आपको रसून प्याज छोड़ के कुछ मिलेगा चाट होगा उसमें प्याज नहीं डाला हुआ है दे दो इन लोगों का जो भी खाना चाहिए दे दो मुझे चाट दे दो फिर सो गाइस मोतोड़ में और एक शिव मंदिर है तो हमने सोचा चलो उसका भी दर्शन करके आते हैं जब घर से निकल चुका हूँ ना काफी कुछ आपको देखने के लिए मिलेंगे हे राम मोतोड़ का शिव मंदिर गॉड हे राम हे भगवान तुम यहाँ तो नीचे आचो देखो बाबा भोलेनाथ कितना नीचे है माय गॉड और इधर ऑटोमेटिक पानी आ ही रहा है देख लो जय हो भोले हर हर महादेव शिव शंभु ओम नमः शिवाय तो गाइस फाइनली मैं मंदिर आ चुका हूँ मोतोड़ सामने है मोतोड़ के पास में ही शिव मंदिर है एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कभी भी आपको यदि शिव मंदिर देखने के लिए मिले क्योंकि हर एक गांव में शिव मंदिर नहीं होता है जो पुण्य गांव है उसी में आपको शिव मंदिर देखने के लिए मिलेंगे बट शिव मंदिर आपको देखने के लिए मिला ना कोशिश करना आपके पास टाइम बचा तो जरूर बाबा के दर्शन आपने माथा टेक के जाना क्योंकि पता नहीं कौन से सिचुएशन के अंदर बाबा आपको मिल जाए सो गाइस ये रहा मेरा आईटीआर कॉलेज जिसमें से मैंने पढ़ के बड़ा हुआ हूँ आपको दिखाते हैं शुरू नजारे ये रहा देख सकते हो आईटीआर कॉलेज पूरा वहाँ से इतना दूर तक ऊपर में हम लोग पढ़ते थे ऊपर में फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर चलो सेकंड फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर तो नीचे भी है नीचे कंप्यूटर वगैरह कुछ है तो गाइस सबसे पुराना एक मंदिर आ चुका हूँ जो ये वाला मंदिर आप देख रहे हो ये अभी हाल ही में इतना बड़ा बजरंगबली का बना है और बाकी अंदर में भी विजिट करेंगे जब ये मंदिर बन रहा था ना जब हम लोग आईटीआर कर रहे थे तब यहाँ पर हम लोग आए हुए थे हाँ 3 साल से ज्यादा हो गया लगभग 6-7 साल हो चुका है तो ये रहा इसका एंट्री गेट चलो बाइक तो अंदर घुसने देगा ना बाइक अंदर घुसा देंगे चलो भाई सो गाइस और एक शिव मंदिर आ चुका हूँ अभी जो नजारा मैं आपको दिखाऊंगा आप देख के चौंक जाओगे ठीक है देख सकते हो बाबा भोलेनाथ की भाई इसमें पानी में पूरा भर चुका है और ये रहा बाबा भोलेनाथ अंदर भी है बाबा भोलेनाथ इसमें कितना बड़ा नाग है जैसे देख सकते हो बाकी यहाँ पर कितने सारे पानी है देख रहे हो ना पूरा पानी में भर चुका है पूरा जगह देख सकते हो पानी में एकदम भर चुका है पता नहीं पानी कहाँ से निकल के आया है
सो गाइस यहाँ पर और आ चुका हूँ माता वैष्णो देवी माता दुर्गा रानी के दर्शन में। ये देख सकते हो माता दुर्गा रानी यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है। हो माता रानी की जय माता वैष्णो देवी। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। मेरा तो एक ही सपना है कि चार धाम यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग एंड 52 शक्तिपीठ का दर्शन करवाने का इस जन्म मेरा सफल हो जाए। बस जय हो माता रानी। राधे 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 गोविंद राधे कृष्ण कृष्ण गाइस। यहां पर और एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देख सकते हो पंचेश पर पंच हनुमान देवाय नमो नमः। यहाँ पर देख सकते हो पंच हनुमान है। इसको कहा जाता है यदि कोई इसका एक बार नाम कर लेता है या जप कर लेता है बहुत अच्छा इसका फलदायक होता है, क्योंकि यहाँ पर पंच जो सर होता है ना हनुमान जी का वो काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हो। सो गाइस अभी हम लोग क्या है ना पंचेश्वर पंच हनुमान देव के पास आ चुके हैं हम लोग अभी हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए। तो अभी हनुमान चालीसा पाठ करेंगे हम तीनों फ्रेंड एक साथ में। सो गाइस लगभग 15-20 मिनट हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे हनुमान चालीसा पाठ कर लिए भाई। हम लोग पता नहीं था कि ये लोग मेरा जो दोस्त है इतना भक्त है भगवान बजरंगबली की जी का। चलो देख के अच्छा लगा कि यहाँ पर बैठे बैठे हम लोग। सो गाइस यहाँ से हम निकल चुके हैं बाबा जी का दर्पण करके यानी दर्शन करने के बाद। सो गाइस अभी आ चुके हैं गाड़ी में तेल भरने के लिए। चलो दो घंटा था पहले, अभी भैया जी 1050 रुपए का दे दीजिए तेल। तो टंकी यहाँ से फुल कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं टंकी फुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, होगा या नहीं होगा बताओ। देखते हैं क्या होता है, बचेगा नहीं पूरा टंकी उठ जाएगा देखना 1050 में। चलो देखते हैं इधर, मुझे पता है ना डन हुआ एकदम फुल हो गया। तो गाइस देख सकते हो पूरा टंकी हमने फुल कर दिया। मैंने बोला था ना मुझे एकदम एग्जैक्ट पता है कितना वायल भरना है नहीं भरना है मुझे पता है। तो गाइस एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो लेडीज फुटबॉल खेल रहा है, मैं फर्स्ट टाइम अपना देख रहा हूँ, आपको भी साइड में दिखा रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पर लेडीज फुटबॉल खेल रहा है, अरे भाई बहुत बढ़िया है। ए संदीप इसका क्या गांव का क्या नाम है संदीप? अरे संदीप केरलापुर। हाँ तो इस जगह में अभी देख सकते हो चल रहा है। एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो संदीप देख रहे हो ना संदीप अभी गाड़ी रुक दिया है क्योंकि उसका फादर देखो साइकिल में चला गया उधर उस साइड से, तो बोला अभी फादर को जाने दो नहीं तो इसका ना बैंड बजने वाला है। क्योंकि बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप ने काफी बार फोन किया तो बोला नहीं मैं काम पे बिजी हूँ, काम पे बिजी हूँ। तो इसको जब देखेगा ना तो मेरा भी प्रॉब्लम उसका भी प्रॉब्लम देखेगा, जब सोचेगा कि बेटा बेवड़ा गिरी करके आ रहा है तो खत्म बात है एकदम। तो ऐसी बात है ठीक है। बाकी चलो यहाँ पर हम लोग रेडी हो चुके हैं, इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ये जो ग्राम देख रहे हो इस यहाँ पर छोड़ देंगे और हम अभी जाएंगे। सो गाइस हमने एक सोचा था कि इसको क्या बोलते हैं किंगसू ड्रेसिंग टेबल, हाँ ड्रेसिंग टेबल। तो मैंने सोचा चलो एक ड्रेसिंग टेबल ले लेते हैं ऊपर में जो हम वीडियो करते हैं ना, तो मैंने सोचा कि आईने का काफी ज्यादा जरूरत है जिस वजह से एक ड्रेसिंग टेबल ही ले लेते हैं। तो ऊपर में जैसे देख सकते हो ये हमने अभी बुकिंग कर दिया है और ये अभी आ भी जाएगा पूरा, कुछ भी फाइल वगैरह फिर कोई भी चीजें हो जाए यहाँ पर रखने के लिए ये सही रहता है, ये हमारे रूम पे सही रहेगा। बाकी ऊपर में भी कुछ हम रख सकते हैं, तो हमने ये वाला चीज ऑर्डर कर दिया दोनों चीज। तो चलिए इसको बिलिंग कर देते हैं अभी, इसको थोड़ा खोल के दिखा दे, दिखा दो खोलो, उसको लॉक किया हुआ है खोलो उसको। हाँ इसमें कुछ फाइल वगैरह जो होगा किताब वगैरह जो एक्स्ट्रा रहेगा ये यहाँ पर बिंदास रह सकता है। तो भंडारी ने देख सकते हो अभी रोटी ले लिया घर के लिए, इसका काम आसान हो गया क्योंकि घर में करना नहीं पड़ेगा खाना। ये एक क्या चीज़ है भाई देख रहे हो ना काम ऐसा हो रहा है, बाकी इधर खाना बन रहा है। तो गाइस यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन में लेना था तो मैंने यहाँ पर ले लिया, पेमेंट भी मैंने डन कर दिया और मेरे को बिल भी पकड़ा दिया। अभी मैं दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी बोल के रखा था इसको पैकिंग कर देना, तो यहाँ पर पैकिंग भी हो चुका है जैसे देख सकते हो। गाइस गाड़ी आ चुका है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी इसको सबसे पहले ऊपर में डालेंगे, पकड़ो वीडियो करो हम उठाते हैं। तो यहाँ पर इस दुकान पर भी गाड़ी आ चुका है नया दुकान पे, मतलब उस पे शिफ्ट होके यहाँ पर, बाकी पोछा का काम यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो
गाइस फाइनली चलो यहाँ से पहुंच चुके हैं, अभी गाड़ी को एंट्री कर देते हैं क्योंकि ये मेरा गैराज है। अभी ये हम लोग कभी सोते थे इस कमरे में, अभी ये गैराज बना चुका हूँ। फाइनल दोस्तों हम घर पहुंच चुके हैं और जैसे देख सकते हो अभी टाइम लगभग 7:45 बज चुके हैं और घड़ी मेरा खुलने वाला है ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑटोमेटिक चीजें है। और अभी मेरा दोस्त आ चुका है, अभी देख सकते हो स्टूडियो में बैठे हुए हैं। सो गाइस अभी जो चीज मैंने ऑर्डर किया था वो अभी आ चुका है, अभी फटाफट नीचे जाओ। सुनो सबसे पहले नीचे जाओ, वहाँ पर एक गाड़ी आया है, गाड़ी में बहुत सारे सामान आ चुका है, जाओ देखो। आलमारी है, अच्छा अच्छा सबसे पहले गया था क्या? और मेरी फ्रेंड को ये चीज दिया हुआ है, पकड़ो आपके माँ के लिए। नहीं 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 नहीं, ये तो आपने क्योंकि नहीं आया था ना, इतना बड़ा अनुष्ठान किया था तो अभी ये फर्ज बनता है इसको देने का। नहीं नहीं थाक नहीं, भोग तो ना ये देना ही पड़ेगा, इसको पकड़ो। एक तरफ से भोग है और एक चीज है, रुक जाओ, एक फोटो भी देना पड़ेगा, फोटो देखते हैं। तो ये देख सकते हो हमारा चीज आ चुका है, ये हम ऊपर में रखेंगे। चलो मेरा दोस्त अभी जा रहा है। ये गाड़ी बहुत साथ दिया है हम लोग का, पता है ये कॉलेज में गया है, कभी इंटरव्यू में गया है, कभी हमने परीक्षा एग्जाम देने के लिए गया है, पता है काफी सारे इसी गाड़ी में गया हुआ था हम लोगों ने। और ये रहा वॉशिंग मशीन, हेलो हाँ सब ऐसी किसी। और ये शुद्ध निष्ठा धोर भी है, ये निष्ठा धोर फॉर्म टा उड़ी जाएगा। तो गाइस चलो ये अभी ऊपर लेके नहीं जाएंगे, ये नीचे में ही रख देंगे। ये अभी देख रहे हो ना, ये इधर बैठने का भी जगह है, कल अनबॉक्सिंग करेंगे सुबह वाले वीडियो में, अभी इसको रख देते हैं, कल आपको वीडियो में देखने की मिलेगी। तो गाइस चलो इसको रख दिया है, अभी इसको प्लास्टिक मत हटाना सुबह हटाना, इसमें और भी सारे फीचर्स है जो कि कल मैं आपको दिखाऊंगा फीचर्स के बारे में। देखो यहाँ पर और एक चीज के सारे चीजें आ चुका है, तो इसको आज हम अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, कल करेंगे ठीक है। अंदर में जो चीजें मिलेंगी कल आपको देखने के लिए मिलेंगे, अभी इसको छोड़ो, अभी बहुत काम है क्योंकि अभी इसको खोलेंगे ना तो और भी इसमें टाइम लग जाएगा।